खबर है हैदराबाद से, जहां तेलंगाना में वेटरनरी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के चार आरोपियों के एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने एनकाउंटर में शामिल पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR जांच और कार्रवाई की मांग की है। याचिकाकर्ता एडवोकेट GS मनी और प्रदीप कुमार यादव ने कहा था कि इस मामले में पुलिस ने 2014 की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं किया। एनकाउंटर होने के बाद उसकी FIR दर्ज होनी जरूरी है। एनकाउंटर में मारे गए या घायल हुए लोगों के परिवार को तुरंत सूचना देनी होगी। सभी मौतों की मजिस्ट्रेट जांच होगी। एनकाउंटर की जांच CIG की टीम या किसी दूसरे पुलिस स्टेशन की टीम करेगी। ये जांच एनकाउंटर में शामिल टीम के प्रमुख से एक पद ऊंचे अधिकारी की निगरानी में होगी। वहीं एनकाउंटर में होने वाली मौत की सूचना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग को देना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में वकील ML शर्मा ने एनकाउंटर की जांच के लिए न्यायालय की निगरानी में SIT गठित करने की मांग की है। उन्होंने पुलिस के कार्रवाई का समर्थन करने के लिए जया बच्चन और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ केस दायर किया। एनकाउंटर में मारे गए चारों आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में थे। इस मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट ने बीते शुक्रवार ही संज्ञान ले लिया था। वहीं तेलंगाना के एडवोकेट जनरल रात 8 बजे हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच के सामने पेश हुए थे। उन्होंने बेंच को बताया कि आरोपियों के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की जाएगी। कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि वीडियो की CD या पेन ड्राइव को महबूब नगर के मुख्य जिला जज को दिया जाए। तेलंगाना में वेटरनरी डॉक्टर से दुष्कर्म के चारों आरोपियों के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद पुलिस ने बताया था कि रिक्रिएशन के दौरान आरोपियों ने हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में की गई फायरिंग में चारों आरोपी मारे गए। यह एनकाउंटर उसी जगह हुआ था जहां आरोपियों ने डॉक्टर के दुष्कर्म के बाद हत्या की थी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।